91 मोबाइल से आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि मोबिस्टार बहुत जल्द कम प्राइस में अपना नॉच डिस्प्ले वाला नया स्मार्टफोन लेके आने वाला है। तो ठीक वैसा युवा कंपनी आज इस फोन को भारतीय बाजार में लेकर आ गई और उसका नाम है X1 नॉच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉक्स पर ही फोन का डिजाइन बना हुआ है, 13 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा लिखा हुआ है और जियो का 2200 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी आपको इस फोन के साथ मिल जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि फोन का बॉक्स कंटेंट क्या है और फोन कैसा है और अपने प्राइस रेंज में ये खरीदने लायक है या नहीं। अब बिना किसी देर के बॉक्स को मैं खोल लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हम इसको खोल के देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट क्या है, जब आप इसको मार्केट से ख़रीदेंगे आपको इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलने वाली है। सॉरी बॉक्स ठीक से खुला नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और अब मैं आपको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालते हैं। तो एज़ यूजुअल ऊपर की तरफ आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है, लगभग सभी कंपनीज इसी तरह की पैकिंग करती हैं और मोबिस्टार X1 की बॉक्सिंग भी कुछ ऐसी हो रखी थी। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन देखने में कितना शानदार लगता है, ग्लास फिनिश बैक पैनल पर मिलता है और फ़ोन काफ़ी सॉलिड भी लग रहा है। पर अभी मैं फ़ोन के बारे में बात नहीं करूँगा, अभी मैं सिर्फ बॉक्स कंटेंट आपको दिखाता हूँ। तब तक मैं इसको यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ और इसको इधर प्लेस कर देते हैं। एक्चुअली में फ़ोन की लुक्स बहुत ही इंप्रेसिव है। इस प्राइस रेंज में अभी आपको ऐसी अच्छी लुक वाला फ़ोन मार्केट में शायद ही कोई मिलेगा। इस लिड को हटा लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या कंटेंट मिलता है आपको। तो यहाँ पर ज़रा नज़र डाल ली जाए क्या कंटेंट है सारा, हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर रख देता हूँ और आपको इसमें एज़ यूजुअल एक ये एक यूज़र गाइड मिल जाती है, साथ ही साथ एक सिलिकॉन कवर भी आपको इस फ़ोन के साथ मिल रहा है, तो फ़ोन की प्रोटेक्शन एनीवे बनी रहेगी आपके। और इसमें आपको ईयरपीस भी मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि कंपनी आपको ईयरपीस दे रही है। सिम इजेक्टर टूल मिलता है साथ में, माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है और ये है एक पावर अडाप्टर जो कि 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर की चार्जिंग के लिए सपोर्ट रखता है। और आप देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे ये सारी एक्सेसरीज आपको इस फ़ोन के साथ मुहैया करवाई जाएगी। अब बात की जाए इस फ़ोन के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन की लुक बेहद ही शानदार है, देखने भर से ही आप इसे खरीदने का विचार बना लेंगे। ग्रेडिएंट पैटर्न दिया गया है, ऊपर थोड़ा पर्पल शेड मिलती है, नीचे ब्लू शेड दी गई है और जब आप इसको लाइट में अलग अलग ये पैटर्न्स दिखाई देंगे तो लुक वाइज नो डाउट बहुत ही शानदार स्मार्टफोन है। वहीं हम इसके दूसरी चीज़ों पर नज़र डालें तो नीचे की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल दिया गया है, यहाँ राइट साइड में पावर बटन है और वॉल्यूम लॉकर की है, ऊपर की तरफ 3.5 mm ऑडियो जैक है और लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। ओवरऑल लुक फ़ोन की बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट साइज़ का स्मार्टफोन है और बहुत ही हैंडी है। इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें आपको 5.7 इंच का HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है जो कि नॉच के साथ आता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम इससे निराश हुए क्योंकि नॉच काफ़ी बड़ा है और जो नीचे चिन्ह दिया है वो भी दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाई देगा, पर अदरवाइज डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल शानदार है, टच रिस्पॉन्स बेहद ही स्मूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एकदम शार्प है और कलर्स भी आपको प्रॉपरली सैचुरेटेड दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ इंटरनल्स पर गौर किया जाए तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो A22 चिपसेट और जो वेरिएंट मेरे पास आया है हम इसकी रैम स्टोरेज देख लेते हैं एक बार। 32 GB की स्टोरेज दी गई है, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मेरे पास आया है, मार्केट में इसका 2 GB रैम वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। और सॉफ्टवेयर क्या है इसका वो भी हम देख लेते हैं। एंड्रॉयड ओरियो मिलता है, नियर स्टॉक एंड्रॉयड है और इसमें आपको फेस अनलॉक मोड भी मिल जाता है, साथ साथ इसमें 3020 mAh की बैटरी दी गई है। अब मैं आपको एक बार इसकी सिम ट्रे निकाल के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेमोरी कार्ड स्लॉट तो है लेकिन हाइब्रिड है या फिर डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। डेडिकेटेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो जी हाँ आपकी ख्वाहिश कंपनी ने पूरी कर दी कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग अभी तक फिलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है इस फ़ोन में। कैमरास की बात की जाए तो 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैमरा का। शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, फेस ब्यूटी नाइट मोड मिल जाता है, प्रो मोड भी दिया है, HDR मोड भी आपको इसमें दिया गया है और AI मोड भी इसके रियर कैमरा में ऑप्शन है। वहीं फ्रंट कैमरा भी इसका 13 मेगा। तो आप इसमें
फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन के स्पेक्स डिसेंट हैं और फ़ोन देखने में भी बहुत शानदार लगता है। ऑफलाइन मार्केट के लिए कंपनी ने इस फ़ोन को उतारा है, इसलिए कीमत थोड़ी ज़्यादा आपको लगेगी। 9,500 रुपये इस फ़ोन की कीमत है। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन अपने प्राइस रेंज में स्पेक्स डिसेंट आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा महंगा लगे। पर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये ऑफलाइन मार्केट के लिए उतारा गया है। लुक वाइज बहुत ही शानदार है। ऑफलाइन के कंज्यूमर्स जो हैं उनके लिए दूसरे फ़ोन्स काफ़ी महंगे पड़ते हैं, शायद ये आपके लिए सही साबित हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसे साबित होता है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस फोन का किसी दूसरे फ़ोन के साथ कंपैरिजन दिखाऊं और इसका रिव्यू भी आपके लिए लेकर आऊं। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। और हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।